हाय एवरीबॉडी, आज तक जब भी मैंने आपके साथ शैम्पू के बारे में बात करी है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि शैम्पू इज जस्ट अ क्लेंजर जो हमारी स्कैल्प को क्लीन करता है। उसका हेयर ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता, हेयर फॉल कंट्रोल करने में कोई रोल नहीं होता, समटाइम्स हेयर फॉल बढ़ाने में रोल होता है, क्योंकि हमारे शैम्पूज में इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प के साथ फ्रेंडली नहीं होते। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा शैम्पू शेयर करने वाली हूँ जो आपको हेयर ग्रोथ देगा, डैंड्रफ भगाएगा, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और आपको देगा सिर्फ शाइनी लॉन्ग ब्लैक हेयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग डॉक्टर विंगार्डियम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड लविंग वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक होममेड शैम्पू के बारे में, जिसका पता मुझे पर्सनली 2 साल पहले चला है। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि शैम्पू, जिस टाइम पे शैम्पू नहीं होता था उस टाइम पे हम ऐसे ऑर्गेनिक शैम्पूज यूज़ करते थे। मैंने बहुत सारे हर्बल शैम्पू भी यूज़ किए हैं, केमिकल बेस्ड भी, क्योंकि मैं कभी भी एक सेम शैम्पू को कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करती। मैं हमेशा शैम्पूज को स्विच करती रहती हूँ ताकि हमारी स्कैल्प यूज़ टू ना हो उस एक पर्टिकुलर शैम्पू को लेकर, और हमें वो बाउंस या वो हमारी स्कैल्प को ऐसे नहीं हो जाए कि यार ये एक ही केमिकल लगाए जा रहे। तो आई यूज़ टू चेंज माई शैम्पूज ताकि स्कैल्प अलग से रिएक्ट करे अलग चीज़ के लिए। तो मैंने बहुत सारे केमिकल और हर्बल शैम्पू बोथ यूज़ किए हैं एंड माई पर्सनल फेवरेट तो हर्बल शैम्पूज में खादी नेचुरल्स का और एक सत्रीठा शैम्पू, ओनली 2 शैम्पूज आई कैन बिलीव। अदरवाइज हर्बल शैम्पूज आपको 2 बार तो बहुत ही अच्छा वॉश देंगे, बट 3rd टाइम में जो आपको हेयरफॉल और डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी ना, उसका कोई लेवल ही नहीं है। तो चलिए फिर बनाते हैं होममेड शैम्पू। सबसे पहले मैंने यहाँ ले ली है लोहे की कढ़ाई। इंग्रेडिएंट्स जो हमें यहाँ पर चाहिए रहेंगे वो है रीठा, शिकाकाय, फेन्युग्रीक सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड आमला पाउडर। भृंगराज पाउडर भी अगर आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लोहे की कढ़ाई में ले लिया है शिकाकाय एंड इसके बाद मैं लूँगी सोप नट्स। अभी इसमें मैं डाल दूँगी पानी। जितना भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसिकली रीठा लिया है और एक कटोरी ही मैंने शिकाकाय लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं इसको पानी में ओवरनाइट डिप करके रखूँगी। ओवरनाइट डिप करने से क्या होता है कि ये इजी हो जाता है नेक्स्ट डे जब इसका आप शैम्पू बनाएंगे तो ये इजी हो जाता है प्रोसेस करने के लिए। रीठा हमारे बालों को नेचुरली क्लेंस करता है, कंडीशनिंग का काम करता है। शिकाकाय हमारे बालों को शाइन एंड गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है। ओवरनाइट भिगोने के बाद नेक्स्ट डे इसमें ऐसा कलर आ जाएगा। अब मैंने लोहे की कढ़ाई में इसको इसलिए भिगोया है क्योंकि जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें आयरन का जो कंटेंट होता है वो इसमें आ जाता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। अभी नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, इसको आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। पर क्योंकि अगर आपको अपना गैस सेव करना है तो आप इसे प्रेशर कुकर में ले लेंगे। अभी यू कैन सी कि कैसा झाग बन रहा है ना, और अभी से ही वो फोम लेदर क्रिएट कर रहा है सोपनट की वजह से यहाँ पे लेदर आ रहा है। पहले के टाइम पे लोग सोपनट से ही बाल धोते थे। ये चीज़ें सारी आपको इजीली ग्रॉसरी स्टोर या फिर नॉर्मल किसी पंसारी की शॉप पे मिल जाएंगी। उसके बाद ऐड किया है मैंने इक्वल अमाउंट में यहाँ पर मेथी दाना। अभी मेरे पास ना फ्लैक्स सीड्स का ना पाउडर बचा हुआ था। फ्लैक्स सीड्स को जब भी आप ग्राइंड करते हैं तो मेक श्योर कि आप उस पाउडर को 25 दिन में ख़त्म कर लें। अगर उससे ज़्यादा दिन तक आप रखते हो ना तो वो धीरे धीरे ना अपनी पोटेंसी लूज़ करता जाता है, क्योंकि आपने उसके फाइबर को एक्चुअली में ब्रेक डाउन कर लिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पाउडर ही यूज़ कर लूँ। ये था मेरे पास थोड़ा सा आंवला और शिकाकाय का मिक्सचर, तो मैंने ये भी इसमें थोड़ा ऐड कर लिया। इसके बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट तक पकने देना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। एंड उसके बाद यू कैन चेक कि आपका जो वो रीठा है ना, वो तो एक तो थोड़ा ऑलरेडी क्योंकि ओवरनाइट आपने उसको रखा था तो वो थोड़ा सॉफ्टन हो गया है, लेकिन बॉईल करने के बाद वो बिल्कुल डीसीड हो जाएगा। सीड्स बहुत इजीली जब आप प्रेस करोगे ना तो अलग हो जाएगा।
ये शैम्पू हमें उतना बाउंस तो नहीं देगा जितना एक केमिकल बेस्ड शैम्पू देते हैं, बट अगर मैं इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ ना, तो जो एक नेचुरल थिंग है ना, लाइक हमने इतना रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग अपने बालों में करवा दिया है कि हमारे बाल उन केमिकल्स ने जिस शेप में डाल दिए हैं वो एग्जैक्ट उसी शेप में रहते हैं, लेकिन जो नेचुरल बालों का जो कंसिस्टेंसी और वो जो हेल्थ इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मिलती है ना, वो आई डोंट थिंक कि कोई भी केमिकल दे सकता है। तो वो जो हल्का सा आपको लगेगा ना कि हल्का सा फ्रिजीनेस बालों में आया है इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद, वो भी आपको इतना हेल्दी और इतना खूबसूरत लगेगा ना कि आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स, आपको खुद ट्राई करना होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना सीव की हेल्प से इसको अलग कर लिया, बट अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जैसे कोई पन्नी आती है ना सब्ज़ी वाला जो पैकेट हम लेके आते हैं, इसको पहले आप ठंडा होने दीजिए एंड जो वो सब्ज़ी वाला पैकेट है ना उसको आप किसी बड़े बर्तन में रखिए, उसमें डालिए, निचोड़ के आप निकाल लीजिए। अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ है तो आप उससे भी इसको रिमूव कर सकते हैं। मेक श्योर जब आप इसको निकालें तो आप थोड़ा सा ग्लव्स पहन लें, क्योंकि इसमें जो आमला और आयरन की जो क्वालिटीज़ आई है ना वो बालों को काला करती हैं, तो समटाइम्स वो हमारे नेल्स में फिल हो जाता है वो काला काला सा, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। तो आप अगर ग्लव्स पहन लेंगे तो आप अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। बट अगर आप शैम्पू करते हुए लाइक जैसे अभी मैंने बोला कि हाथों में थोड़ा काला काला चला जाता है, अगर आप बालों में जब इसको यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी देर तक आपका उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं होगा एंड यू कैन सी जो वो लेदर क्रिएट हो रहा है ना सोप नट की वजह से। तो पूरा शैम्पू किसी बॉटल में रखने के बाद मेक श्योर कि आप उसे फ्रीज़र में रखें, क्योंकि वो गर्मियों का सीज़न है, वो जल्दी फॉर्मेंट हो जाएगा, जिससे आपको लग सकता है कि आपके बाल में स्मेल आ रही है या वैसा कुछ आपको फील हो सकता है, तो आप उसको रेफ्रिजरेट करके रखें और जब आपने यूज़ करना हो उससे पहले आप किसी बोल या किसी ग्लास में निकाल कर 5 मिनट पहले रख लें। अब तो गर्मियों का सीज़न है, ठंडा ठंडा भी चलता है एंड उसके बाद आपने प्रॉपरली यहाँ पर सोप नट्स को डीसीड करना है, इसके सीड्स आप रिमूव कर लीजिए एंड उसके बाद इसको आप ग्राइंडर में एक बार घुमा लीजिए और इसको आप एज अ मास्क 15 मिनट तक अपने बालों में रखिए लगाकर, एंड उसके बाद आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये एज अ शैम्पू और एज अ हेयर मास्क भी आपके बालों में काम करेगा। फेनुग्रीक सीड्स हमारे बालों के लिए क्या कर सकता है आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स, बट ये जितने भी इन्ग्रीडियंट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं ना 4, ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल है। पता नहीं, मैं इतना कोशिश करती हूँ ना आपको कन्विंस करने का कि प्लीज़ यूज़ दिस। आई डोंट नो आप यूज़ करते हैं या नहीं, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप वीडियो ज़रूर स्किप करते हैं। सो डो नॉट स्किप द वीडियो, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक अ लिटिल डिफरेंस हेयर, क्योंकि ये रेमेडीज़ तो आई गेस आपने ऑलरेडी चैनल्स पे और यूट्यूब पे गूगल पे ऑलरेडी देखी भी होंगी कि हाँ हम ऐसे बनाते हैं। बट द थिंग इज़, जो एक कन्विंसिंग पावर होती है ना, लाइक कि जब हमें किसी चीज़ पे बिलीव होता है एंड जब हम किसी चीज़ को बहुत थॉटफुली करते हैं ना कि नहीं यार इससे हमें रिज़ल्ट मिलेगा, जब हम उसे पॉजिटिव सोचकर करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स वे बेटर होते हैं किसी रेमेडी को ऐसे ही डिप्रेस और परेशान होकर लगाने से। और जब हम कुछ सोच कर लगाते हैं कि नहीं यार इससे तो रिज़ल्ट मिलेगा, ये बहुत मैजिकल है, उस दोनों सिचुएशन में रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। सो ये तो बात कर ली हमने कि इसको बनाना कैसे है एंड ट्रस्ट मी आप इसको बस एक बार ट्राई करके देखिए। यू नो आई विश आई कुड मेक टू ऑल ऑफ यू गाइस दिस शैम्पू एंड मैं आपको फोर्स कर सकूं या मैं आपको दे सकूं ये शैम्पू। आई रियली विश, मैं चाहती हूं कि हर कोई इसको ट्राई करे, बहुत ही अमेजिंग है। पर्सनली मैं इसको मंथ में 2 बार यूज़ करती हूं एंड वो भी कब, जब समर सीज़न आता है, क्योंकि सर्दियों में भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग हिम्मत नहीं होती है। उसके बाद अभी मैं बताऊंगी कि वेन टू यूज़, लाइक अगर आपके सर पे बहुत हैवी ऑयलिंग हुई है तो आप इस शैम्पू का यूज़ ना करें, क्योंकि ये ऑयल रिमूव नहीं कर सकता, बहुत लाइक नेचुरल रेमेडी से बना है, एकदम से ऑयल नहीं निकाल सकता। तो मेक श्योर जैसे आपने पूरे वीक कुछ भी नहीं लगाया अपने बालों में या हेयर मास्क, जो भी वो आपकी अपना सिलेक्टिव डिसीज़न है, तो आप इसका यूज़ करें एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड मेक श्योर जब आप इस शैम्पू को लगाएं तो उसको 5 से 10 मिनट तक अपने बालों में अच्छे से मसाज करें, या आप इसको लगाकर छोड़ दें अपने बालों में, उसके बाद आप अपना पूरा बॉडी क्लीन करें एंड एंड में अपने बालों को धो लें। मेक श्योर कि ज़्यादा गर्म पानी से आप अपने बालों को ना धोएं, बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर से आप अपने बालों को धोएं। तो और यस,
अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बाउंसी मेरे बाल हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला, पर वो जो एक नेचुरल सा लुक आएगा ना आपके बालों में, क्योंकि देखो हमने इतने सारे केमिकल्स यूज़ कर लिए अपने बालों में और इतना सारा लाइक स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कर लिए कि हमारे बाल वो एक ही शेप में रहते हैं। बट इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद जो आपको एक थोड़ा हैवीनेस अपने बालों में फील होगा ना कि यार बाल ऑटोमेटिकली थोड़े मोटे लग रहे हैं, वो लाइक वो अनबीटेबल है, वो आपको रिजल्ट्स और कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो गिव इट अ ट्राई फॉर योरसेल्फ। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ येस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप इंजॉइंग, कीप लविंग योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी। बाय बाय।